वेलकम टू द चैनल गाइज, होप ऑल यू आर फाइन। चलिए नए ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज आपके लिए कुछ खास एक अनबॉक्सिंग इस वीडियो में मैं आप करूँगा, एक नए चीज का अनबॉक्सिंग। ये कल मैंने किया था एक टी शर्ट का अनबॉक्सिंग, लेकिन आज करूँगा ये क्या है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताऊँगा ये क्या चीज़ है। ये स्पेशली अगर आप कार यूज़ करते हो तो कार के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मैंने स्नैपडील से मंगवाया है, जो कि कार मोबाइल होल्डर है। आप देख सकते हो कार मोबाइल होल्डर है। चलिए इसको फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है इसके अंदर, और एज इट इज़ है कि नहीं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है वैसा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है, और फिलहाल देखने में तो सेम लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने आज हेयर कट लिया है, थोड़ा स्पाइकी टाइप का लिया है, क्योंकि मैंने हाईलाइट करवाए थे तो मुझे सेट नहीं लग रहा था, लेकिन आज सेट कराया मैंने अपने हेयर को, और कल चारकोल लगाए थे तो उससे काफ़ी इफेक्ट था, तो आज मैंने ट्रिम कराया। चूँकि एक मूवी आ रही है कबीर सिंह, तो वैसा लुक मैंने अभी कर रखा है साइड पूर वाला। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, और फिलहाल चलिए देखते हैं क्या है बॉक्स में। ये देखिए कुछ इस तरह से बॉक्स देखने को मिलेगा, कार मोबाइल होल्डर, बहुत अच्छी चीज़ है ये। 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी दोस्तों, और इसको आप कार के डैशबोर्ड में सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये कई मल्टीपल कलर में आता है, रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, ऑरेंज, तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये है, जो कि ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर इसको यहाँ से अनलॉक होता है ये, और फिर कार पे या किसी भी सरफेस पे ये इसको करके इसको पिंच करने से ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ अंदर, मेरे फोन है, टाइम देख लीजिए आप। इस समय मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ दोपहर में, अपने रूम में हूँ, और टाइम देखिए आप कितना हो रहा है, 426 हो रहा है। एक ही आपको मिलेगा डैश मोबाइल लगाने के लिए, तो आई थिंक इसको मैंने भी लगाने का तरीका देखा नहीं है, लेकिन ये रोटेट होता है, और आई थिंक ये मेरा आईफोन है, ये आप देख सकते हो आईफोन है, इसको देखता हूँ मैं। खैर अभी, हाय गाइस, बैक टू द चैनल अगेन। बताऊँ कि मैं अनबॉक्सिंग किया, लेकिन हुआ क्या कि मैंने उसको अनबॉक्सिंग किया तो मेरे मतलब का नहीं लगा, मतलब कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी मुझे उतनी नहीं पसंद आई, तो इसलिए मैंने उसको फिर से पैकअप कर दिया, और पैकअप करके मैं उसको जा रहा हूँ डालने रिटर्न के लिए। तो अब उसको रिटर्न के लिए डाल दूँगा। बाहर टेम्परेचर बहुत हीट है, लेकिन अंदर देखिए मैंने मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर को। हाँ दोस्तों, एसी से रिलेटेड एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए ऑलवेज 24 डिग्री, ठीक है, तो ये है 24 डिग्री, आप देख सकते हो अभी 24 डिग्री पे है, और बाहर इस समय आज 46 डिग्री दोस्तों, 46 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, और बहुत ही ज़्यादा हीटअप है बाहर। तो मैं रूम में ही था पूरे दिन, आराम कर रहा था, थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग के लिए सोचा तो अनबॉक्सिंग कर दूं, और उसके बाद तो मैं कहाँ था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि वो जो है तो वो कार के लिए परफेक्ट नहीं, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है, जो आईफोन एक दूसरा है, तो वो तो ठीक है, जो ये वाला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीवो V9, अब इसको भी रिप्लेस करने वाला हूँ, तो ये वजन, उसके वजन को नहीं ये झेल पा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये फिट नहीं बैठेगा, अगर मैं कार में उसको लगाता भी हूँ तो वो गिर जाएगा मिरर से, वो चिपक नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं उसको पैक करके कोई दूसरा ऑर्डर करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग ट्राईपॉड का होने वाला, मैंने मिनी ट्राईपॉड फॉर मोबाइल के लिए मंगाया, तो उसका मैं अनबॉक्सिंग जल्दी करूँगा। होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो जाएं लाइक करें और सब्सक्राइब करें,
और मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।